हाँ इधर बोलो सामने। थोड़ा पोजीशन थोड़ा क्रॉस रखो ना, फिल्म का नाम भी दिखे। सर आप थोड़ा इधर आ जाओ और थोड़ा इत में जाओ। सर सर हाँ सर सामने थोड़ा नीचे सर थोड़ा डाउन। हाँ मैडम इधर एक बार मैडम सामने जन भाई। हाँ थोड़ा थोड़ा उधर आते। हाँ नीप वेरी गुड वेरी नाइस। वन मोर लुक हियर सर दिस वे सामने एक मिनट अभी कर दे। आएगी ना अभी वो अंदर में भी हो पड़ेगा सब। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ आप वीडियो वाले ले लो। श्याम क्या कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच। प्रोड्यूसर हमारे प्रोड्यूसर साहब थोड़ा सा जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू गाइस।
से सब आने के लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है जी। और हम चाहते हैं कि हमारी मूवी जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, तो हमें लगता है कि हम बादल से कुछ चंद बूंदें उन नफरत के जो आग लगे हुए हैं उससे परे और आग का एक छोटा सा हिस्सा भी बुझ जाए उस प्यार के चंद बूंदों से, तो हम लगेंगे कि हमने एक खूबसूरत सी फिल्म बनाई जो चंद लोगों के दिलों में प्यार का एहसास है। थैंक यू। नमस्ते। अब इतना कुछ ये लड़की बोल चुकी है, इतनी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, बिकॉज देयर लॉट ऑफ यंग पीपल हु एस्पायरिंग टू गेट समवेयर लाइक ज़रीना जी ने जो मुकाम पाया है, वैसे हम लोग सब एस्पायर करते हैं टू बी बेटर एक्टर्स लाइक हर। सो द जर्नी इज़ ऑन, द स्ट्रगल इज़ ऑन, द वर्क इज़ ऑन, एंड आई एम होपिंग कि हम सब किसी मुकाम तक पहुँच पाएँ कि हमारा काम देख के लोग खुश हों। बाकी और क्या बोल सकती हूँ, इट्स वंडरफुल टू बी हियर, वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, एंड थैंक यू एवरीबडी, एंड थैंक यू थिंकिंग ऑफ मी, थैंक यू। और प्रोड्यूसर साहब को इनक्रेज करने के लिए और आर्टिस्टों को इनक्रेज करने के लिए, और आप लोग जब तक इनक्रेज करते रहेंगे हम लोगों को काम करने के लिए बहुत मज़ा आएगा। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। मैंने वन लाइन स्टोरी सुनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी जो भी थैंक यू, तो जब पूरी फिल्म बन जाएगी तो इंशाल्लाह हम सब आपको दिखाएंगे। बस प्रे कीजिए कि अच्छी बने, और हम सबको आप लोगों का, उम्र में छोटे हैं लेकिन छोटे लोगों की दुआ ज़्यादा लगती है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब दुआ करो कि फिल्म अच्छी बने, क्योंकि फिल्म आजकल सब लोग कहते हैं कि अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो लोग देखने नहीं आते, देखने नहीं जाते। लेकिन इसलिए हम लोग ये इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी बनेगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सबको, एंड दैट्स इट, थैंक्स। है आज हमारे साथ मैंने राहुल जी से कहा था कि आज मुझे एंकर रख लो तो मेरे मुंह, लेकिन बहुत ही प्यारी एंकर है, आज तुम एंकर हो, कल सुपरस्टार हीरोइन बन जाओ, यही मेरी प्रार्थना है कि नहीं? अरे कमरे लड़के तो ताली बजा दो, इतनी सुंदर लड़की है। अच्छा यहाँ के जितने सुंदर लड़के हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं बता दो। आई लव यू, ये लड़के सोच रहे हैं। सो बहुत खुशी की बात है कि ये फिल्म शुरू हो रही है प्यार का एहसास, है ना? पहला प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार तो है ना, प्यार कॉमन होना चाहिए, प्यार तो हो गया, एक फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, अब हो गया, कंफर्म हो गया। तो आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, इतने प्यारे स्टारों के बीच में मुझे आने का मौका मिला, और स्टार यहाँ पर आते ही हैं क्योंकि स्टार बाजार है, और पीछे जितने बैठे सब एलिट पीपल है, तो ये एलिट बैंकेट हॉल है, यहाँ पर आने का मौका मिला। और राहुल राय जी के लिए क्या कहूँ, अगर ये इंडस्ट्री में नहीं आते तो 90 इन्होंने आके 90 से शुरुआत की। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, उस जमाने में कितने भोले भाले हीरो थे, बस एक सनम चाहिए। आज इमरान हाशमी कहते हैं आई लव यू बोलने के बाद, प्यार होने के बाद पूछता है तुम्हारा नाम क्या था, इतना बदलाव आ गया। तो हमारे 90s के लिए जोरदार तालियां। 90s के जितने भी गाने हैं मुझे बहुत पसंद है, और 90s गाने में नशा था प्रोड्यूसर साहब, थैंक यू मुझे नहीं लेने के लिए, अगर लोग भी लेने चाहते तो सोच लो, हिसाब किताब देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरी फेवरेट दो ही हीरोइन है, एक कैटरीना दूसरी ज़रीना, इनकी सानिध्य में रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब देखा जाए तो एक्टिंग का A to Z इनके घर पे, A for Aditya, Z for Zarina। जो दो चार लोग ताली बजा रहे वो भी रहने दो।
सलमान साहब ने सूरज को लॉन्च किया था, लॉन्च किया था सूरज बचा था ना, उसका थैंक्स करने के लिए सलमान ने सूरज को लॉन्च किया। चलता रहना चाहिए सब मामला, ठीक है। तो बहुत अच्छा है आप सबको, जितने लोग आ रहे हैं। तो 90s के गाने में नशा था, नशा क्यों ना हो, 90 का गाना था, 90 मतलब नशा, सारे बेवड़े समझ गए। किसी को 60 के गाने भी पसंद है, लेकिन मुझे 90 गाने। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ तू मेरी दुनिया है। आई एम श्योर हम सब अपनी माँ से यही कहेंगे कि माँ तू मेरी दुनिया है। तो माँ जस्ट आशिक की फिल्म देख कर आई थी, बोली अच्छा माँ अगर तेरी दुनिया हूँ तो मैं दुनिया भुला दूंगा, अगर मैं तेरी दुनिया हूँ तो मेरे चक्कर बीवी के चक्कर में मुझे बुला देगा। एक गाना और आया था जिसमें हीरो कह रहा था 90s का हीरो से, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मैंने कहा एड़े जब तुझे कंफर्म है कि वो प्यार है किसी और का, उसे चाहता कोई और है, तो तू टाइम पास क्यों कर रहा है। लेकिन बाद में हीरो स्मार्ट, उसने बताया हीरोइन के लफड़े, इतने सारे लफड़े पता है आपको, भी अभी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे हाँ बिल्कुल हीरो सही था। हीरो के कितने चक्कर है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है, तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। अब आप देखिए था को छेड़ रहा था पीछे से, उसके रिश्ता ने उसकी पिटाई कर दी। 90s का कहीं गाना है सुनिए, लड़की के सामने जाती शुरू हो गया। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फिर रिश्तेदार देखे उसके डंडा वंडा देखे, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। अरे सुनो अच्छे हो जाओगे, आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि ये गाने मत सुनना बीमार हो जाओगे, क्योंकि रिमिक्स वाले सुबह उठते हैं और कोई 90 का गाना सुनते बोलते यार वाह क्या गाना है, आज इसको खराब करते हैं। और गाते कैसे जैसे पूरे बीमार। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, दवा खाइए बेटा दवा खा ले आज ही वो गरीब। और बादशाह तो गाना तो नहीं गाता, जो बादशाह सिंगर है गाना नहीं गाता, वो तो बात करता है। मैं वहां गया था पार्टी हुई थी, पार्टी में आया था, पार्टी में मिली ये प्यारे छोरे, शराब पे रात भर पार्टी चली, फिर पुलिस आई आंटी ने बुलाया, हम गए जेल में आया कोर्ट में, हम छूट गए, अब वापस आए, आज पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे, रात भर पार्टी चलेगी, सुबह भी पार्टी चलेगी, मिल तरह का बाप देगा ये सब चलते रहता है। ओ यो यो हनी सिंह एक दिन कहीं पीकर टाइड घूम रहा था, चार बोतल मोड़ का काम मेरा रोज का, ट्रैफिक हवादारा देख लिया, बोले बाहर मोड़ का काम रोज का, अब चलो पुलिस स्टेशन। वो ट्रैफिक अपना यो यो हनी सिंह समझ गया कि महाराष्ट्र का हवादार है, ट्रैफिक हवादार है, ईमानदार है, रिश्वत तो लेगा नहीं, तो अपने स्टाइल में पटाने की कोशिश कर रहा है। यार मेरा हवलदार तू है सुपरस्टार, तू है पुत्र महाराष्ट्र का जैसे तलवार, चाहता क्या है चाहता क्या है, छड़ दे छड़ दे छड़ दे, क्या करेगा थाने जाके यही कुछ लेके देखे, छड़ दे छड़ दे। अब प्यार तो होना ही था इस फिल्म के लिए, शुभकामना देने के लिए जैसे यहाँ पर बॉलीवुड के सुपरस्टार आए हुए हैं, दो चार कलाकार और आएंगे तो कैसे शुभकामना देंगे, कोशिश करूं सुना दूं, सुनेंगे आप लोग नहीं मत करो क्योंकि उसमें भी GST लग चुका है, समझे नहीं सर। अगर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी यहां आते और आज प्यार तो होना ही था, प्यार तो हो गया शुभकामना देते, आज यहां पर जितने भी लोग विराजमान है सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं है, प्यार हो गया ये शब्द अच्छा है, इसके लिए हमारा संपूर्ण समर्थन है।
जब ये फिल्म हिट हो जाएगी, हजार दो हजार करोड़ कमा लेगी, तब हम इनको एक पार्टी देंगे, उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन खाने के लिए टिफिन अपने साथ में लाना पड़ेगा मान्यवर, क्योंकि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। धन्यवाद। अब इनके पीछे आ गए पंकज त्रिपाठी। बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया। पिताजी ने जब ये नाम सुना तो खुश, फिर एक बार बने की मिर्जा हूँ। बहुत नवाजुद्दीन सिद्दीकी इनके से आ गए। माँ कसम, आप उनको लगता है कि फिल्म जो सुपर हिट हो जाती है, माँ का बाप का भाई का सबका फेवरेट फिल्म बनेगा रे। मैं 15 दिन तक देखूंगा ये पिक्चर, 15 दिन तक माँ कसम। अगर कहीं से मिठुन ना आते, ओए माँ कसम, माँ कसम ये पिक्चर सुपर हिट हो जाएगी। जैसे डिस्को डांसर हुई थी उस वक्त 100 करोड़ रुपए कमाए थे, और ये फिल्म आज 1000 करोड़ कमाएगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मिट धर्म जी आगे कहीं से दो पैक पी के। मैं कसम जरीना मेरी बच्ची हो, फिर भी मेरे माँ खैर करोगी क्योंकि तुम बॉलीवुड की माँ के रोल में नंबर वन हो, और ये सब लोग मेरे बच्चे हैं। अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी तो खून पी जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। फिल्म देखोगे ना? नहीं सनी, इनका नंबर लो। और सबसे आखिर में बात खत्म करो, क्योंकि हम अब हमारा फंक्शन शुरू हो रहा है। सब लोगों ने शुभकामनाएं देनी है, आप सब भी शुभकामनाएं ताली बजा के दे सकते हैं, जोरदार ताली बजा के, क्योंकि इस फिल्म को प्रोड्यूस करे ट्रिपल आर रिस्पेक्टेड राहुल रॉय। आजकल देख हम लोग बहुत लोग सदमे में, यहां भी देखिए आप लोग हंस नहीं रहे, इतना सदमे में है जैसे इनके जीवन में कोरोना काल में जो कर्जा होता मैंने किया था, मैंने कोरोना लाया था क्या भाई? देखो चाइना ने कोरोना लाया था, पूरे देश को परेशान किया था, अब हम बदला ले रहे हैं। 6 तारीख को वहां पे लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो रही है। सो टेंशन मत लो, अभी भी कुछ लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। अभी तो उधर जी मास्क वही पहन रहा जो सचमुच मुंह दिखाने लायक नहीं है। मतलब मास्क पहन के एक लड़की जा रही थी, जब मास्क पहन के जो लोग मुंह से बड़ा मास्क पहन के जो जा रहे थे ना घूम रहे थे, अब एक नौजवान लड़की को छेड़ रहा है मास्क पहना हुआ है उसने। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, उसने मास्क वाला भाई मैं आफताबी हूँ। मास्क से इतनी गड़बड़ हो रही, इतनी इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि सारा प्रॉब्लम ठीक हो रहा है। अब तो हम जम के पॉजिटिव हो सकते हैं, उस वक्त नहीं हो सकते थे, लेकिन अब हम हो सकते हैं। पूरा पॉजिटिव हो जाइए, आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। कोरोना वन कोरोना टू से रखना खुद को संभाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और हंस देखिए मुझे पता है जो आप हंस नहीं रहना ये बहुत मुश्किल काम है आजकल, हंसाना मुश्किल काम है लेकिन हंसना और भी मुश्किल काम है। आप लोग जो कर रहे हैं सरपंच, और ये देखिए हमारे जो हीरो हैं, इनको देख के मुझे लग रहा है कि ये फिल्म हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी चलेगी, क्योंकि वहाँ के अली फजल कौन सा है, अली फजल से एकदम हूबहू तेरे बिन लादेन का जो सुपर हीरो है उससे काफ़ी शक्ल मिलती है, तो पाकिस्तान में भी चलेगी और हर जगह चलेगी, हाँ तो हाँ पूरे दुनिया में चलेगी। एंड ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, और ये लड़की देख के लगता है कि मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले जमाने में सुपरस्टार बनेगी। आइए मैडम बिल्कुल सही समय पे आइए, हम ही पहले आए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी और आप लोगों ने जो बड़ा प्यार से सुना, इतना प्यार से मुझे मेरे घर वाले भी सुनते हैं, और जो लोग नहीं सुन रहे थे वही मेरे घर वाले हैं। थैंक यू। आई एम आलिया हमीदी। मैंने कभी बिग स्क्रीन फेस नहीं किया, कभी टीवी फेस नहीं किया। आई एम वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया, आई एम इन्फ्लुएंसर, आई एम ए यूट्यूबर, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट दैट आई एम हियर प्रेजेंटिंग ऑल माय इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, और एक जज्बे के साथ आई एम रियली हैप्पी। जिया भाई थैंक यू सो मच
कि आज मुझे मेरे सोशल मीडिया ने यहाँ लेके आया है इन फ्रंट ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ द स्टार्स एंड रियली थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग. थैंक यू. दो शब्द बोल रहे हैं ना सिर्फ. थैंक यू. ठीक है. सो मैं बहुत ही लेट एसोसिएट हुई हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ. एक्चुअली बस कल ही आई हूँ मैं. कल ही जुड़ी हूँ इस प्रोजेक्ट के साथ. और जब मैंने सुना द स्टोरी, जब जिया सर ने नरेशन दिया और इतनी डेप्थ वाली बातें की मुझसे अबाउट लव, जो आजकल हम लोग ज़्यादा करते नहीं हैं. वी कीप चेंजिंग रिलेशनशिप्स वेरी सून, यू नो, वी जस्ट लेट गो, वी गिव अप वेरी इजीली. सो सुनकर अच्छा लगा कि ऐसी फिल्म बन रही है विच इज़ लाइक अ ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ लव. एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. And my character, I'm very happy with what I've got. Gratitude to the universe, gratitude to everybody for being here. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you all. Thank you for all. मुझे बहुत गर्व है कि मेरे को बहुत चीज़ें करने की बोल रहा हूँ मैं एट द मोमेंट, बट मैं सब को आश्वासन कर रहा हूँ कि दिस पिक्चर इज गोइंग टू बी आशिकी. जो किया है वो उसको वैसे ही करेंगे एट द मोमेंट. मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज जिया का और मैंने राजीव को बोला था कि मैं करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा एट द मोमेंट. बट मैं जो जा रहा हूँ और आपके साथ मैं लंदन और मेलबर्न में करूँगा, दिस इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक वर्क एंड इट्स वेरी. मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जब ये बात ख़त्म होगी सो इट विल बी फैंटास्टिक वर्क एंड थैंक यू ऑल फॉर हैविंग मी टू दिस. सो यस, सॉन्ग्स विल बी वेरी गुड, डोंट वरी. एंड हम सबको बहुत आगे जाके ले लो. वो जैसा भी है तो मोमेंट अभी करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी चीज़ें मेरे को अभी भी करना है, मेरे को अभी करना है. एंड लोग जो लोग मेरे को अगर करते हैं तो मोमेंट लोग जो कर ये लोग जो हैं डेफिनेटली मैं इनको देना चाह रहा हूँ मैं एंड थैंक यू. क्योंकि जो लोग हैं जिनके जो लोग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको मैं भी ऐसे ही देना चाह रहा हूँ एट द मोमेंट. और मैं वैसे ही इसको देना चाह रहा हूँ. वो जिया विल डू, वो आपके साथ बोलेगा एट द मोमेंट. बट इट्स वेरी गुड कि मैं ऐसे
going to be fantastic, yeah. Thank you. Just tell him. Sir, you know, being producer, actor, तो इतने मशहूर हैं. As a producer, क्या? हम एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्म बनाने जा रहे हैं जो प्यार के बारे में कहते हैं कि सबसे खूबसूरत एहसास है प्यार. और 90s में उनको प्यार के नाम से ही जाना जाता था. आशिकी ने लोगों को आशिकी करनी सिखा दी. तो इससे अच्छा प्रोड्यूसर नहीं हो सकता था इस फिल्म के लिए. इस फिल्म का नाम है प्यार हो गया. मतलब काफी सारे प्लेटफॉर्म से कितना अच्छा दौर है, खासकर आर्टिस्ट के लिए कितना अच्छा मीडियम ग्रो हुआ जब आपने शुरुआत की थी और आज के टाइम में कितना डिफरेंस पाती हैं आप? बहुत फर्क है एक्चुअली. औरतों को टाइम नहीं, चांस नहीं मिलता था अच्छे रोल्स करने का. नाउ ऑन द ओटीटी देयर इज लॉट ऑफ वर्क फॉर वुमेन. देयर इज वुमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स सब्जेक्ट्स दैट आर वेयर वुमेन आर द हीरोज. सो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर एक्टर्स एक्चुअली. ये ओटीटी ने बहुत एक्टरों को काम भी दिया है और मुकाम भी. जो मतलब एक इंसान अच्छा काम करना चाहता है उनको चांस भी मिलता है. तो इट्स अ ग्रेट टाइम. सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अराउंड एज एन एक्टर. या आजकल जितनी भी फिल्में बन रही हैं, क्योंकि आजकल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है. जितने ज्यादा आर्टिस्ट हैं उतनी ज्यादा फिल्में बन रही हैं और सबके लिए तो सबको चांस मिलने का चांस है. पहले तो जैसे आप पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से आए थे, उस वक्त आए थे तो 3-4 लोगों को काम मिला, बाकी के लोगों को घर जाना पड़ा. लेकिन अगर ये उस वक्त होता तो वो लोग घर नहीं जाते थे, यहाँ काम कर सकते थे. आज सबके लिए काम है, बहुत ज़्यादा काम है. तो ये ओटीटी का प्लेटफॉर्म जो शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से न्यूकमर्स के लिए या हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है. इट्स रियली गुड. आई एम वेरी हैप्पी विद इट. बॉलीवुड की बिजनेस नहीं कर पाए वहाँ अपने कंटेंट में कितना दिखाया हो कि कंटेंट इज़ द किंग. और फिल्म मेकिंग का मेरा छोटा सा फलसफा है. जब 6th क्लास में था तो मैंने एक कविता पढ़ी थी कि माँ फिर क्या होगा इसके बाद, शशि से सुंदर, रवि से उज्जवल, बहू तुम्हारी घर आएगी, माँ फिर क्या होगा इसके बाद. अगर हमने ऑडियंस को इस सवाल के झमेले में अगर फंसा लिया और वे सवाल सोचता रहा इसके बाद क्या होगा. कहानियाँ तो वही हैं, अंदाजे बयां अलग अलग होती हैं. एक लव स्टोरी है, हमने इस तरह से बयां करने की कोशिश की है कि लोग हर बार पूछे माँ फिर क्या होगा इसके बाद. फिर वक्त देख के जब हमारी एक छोटी सी फिल्म को एक सही मकाम मिल पाए तो रिलीज करने की कोशिश करेंगे. एंड राहुल एंड आलिया, आप अच्छा एक्ट करने के लिए आप कितना बिलीव करते हैं चीज़ में? हम लोग जैसे रील्स बनाते हैं या टिकटॉक बनाते थे या कुछ भी करते थे तो वो हम एक ऑडिशन की तैयारी करते हैं. फिर जब वो सक्सेसफुल होता है तो आज हम यहाँ पे खड़े होते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू. मैम आपसे अब चाहूँगा, टेलीविजन को एक बड़ा ब्रेक मिलना या एक ऐसा ब्रेक मिलना वो कितना जरूरी होता है ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने के हिसाब से एक्टर का? आई थिंक ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन. और मुझे लगता है सबका डेस्टिनेशन यही होता है कि फिल्म करें. सो आई थिंक मैंने जब टीवी भी किया, मैंने एक ही डेली सोप बड़े अच्छे लगते हैं किया, तो उस वक्त मैंने दिमाग में रखा था कि मैं फिल्म वाली एक्टिंग ही करूँगी, टीवी वाली एक्टिंग नहीं करूँगी. सो आई ऑलवेज मेंटेन दैट थिन लाइन बिकॉज अल्टीमेटली शायद मुझे ये फिल्म करनी ही थी. दैट्स व्हाई आई एम हियर. सर गुड लुकिंग तो सर अब क्या बोलूँ, खानदानी है. रूमी अंकल इज हियर. आई एम सो हैप्पी रूमी अंकल, यू मेड इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस. गिव इट अप फॉर रूमी अंकल प्लीज. द ग्रेट डायरेक्टर राइटर ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री रूमी जाफरी इज हियर. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप आए. और सर लुक्स तो अपनी तरफ है सर. लुक से अगर काम मिलता तो हर खूबसूरत लड़का आज हीरो होता और शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार नहीं होता. अगर काम देख लिया जाता है बी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि आप एक्टिंग कितनी अच्छी करते हैं, आप सच्चे कितने अपने काम को लेके. आई थिंक लुक्स ये सब अब सेकेंडरी हैं आज के टाइम में. मेरे जो आइडल्स हैं वो राजकुमार राव हैं, बी अ डिसेंट लुकिंग गाय डूइंग सच गुड फिल्म्स इन द इंडस्ट्री. सो मैं उन लोगों को देखता हूँ, शाहरुख खान, राजकुमार. फॉर मी इट्स लाइक वर्क हार्ड एंड जस्ट
be patient and just keep working. Thank you. So sir, क्या different है आपकी इस story में? यो प्यार जो है मतलब सबसे खूबसूरत एहसास है, चाहे वो माँ बेटे के बीच हो, हस्बैंड वाइफ के बीच हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच हो, और प्यार का कभी वक्त खत्म नहीं होता, चाहे वो 70 का दशक हो, 90 का हो, 80 का हो, या 2022 हो, या आने वाला कल हो, प्यार तो रहेगा ही। और प्यार के इसी अंदाज को हमने एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। अगर हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो कहानी अभी ही रिवील हो जाएगी, जो हम करना नहीं चाहते। लेकिन ये भी प्यार का एक बहुत अच्छा मतलब अगर ऊपर वाले की मेहर रही तो ये फिल्म DDLJ के बाद एक उसी अंदाज की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी। धन्यवाद। एंड पहले तो शुभकामनाएं है पूरी कास्ट को एंड डायरेक्टर सर को। सो जिया सर और मेरा बहुत पुराना नाता है, एंड जब मैंने फर्स्ट म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया था, जब से मैं इनसे टिप्स लेते आया हूँ, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी मूवी जाएगी, बहुत अच्छे से डायरेक्ट होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब राहुल जी के बारे में, तो मेरे पे ऑलरेडी प्रेशर है कि मुझे अच्छा म्यूजिक देना है, क्योंकि प्रोडक्शन नाम इतना बड़ा है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। प्रेम को लेकर, जैसे प्यार को लेकर की फिल्म है, तो जो भी उस फिल्म को देखे होंगे उसमें प्यार आपका जो जिस हिसाब से तब का एक स्पिरिचुअल लव होता था, आज आप आज यूथ के साथ इतने एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ यहाँ पर हैं, तो कैसे देखना चाहेंगे आज का लव स्टोरी या फिर आज का जो प्यार है वो किस मुकाम पर है? वक्त के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव है, वो तो आप जानते हैं। प्यार करने का तरीका भी अलग हो गया है, फिल्में बनाने का तरीका भी अलग हो गया। उस ज़माने में जब हम काम करते थे, वहाँ पे ज़्यादा हीरो हीरोइन को टच करने की ज़रूरत भी नहीं होती थी, लेकिन उस तरह से गाने हमारे गुजरात होते थे और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता था, और उस वक्त के जो भी ऑडियंस थे उनका जहन उस तरफ था। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत फॉरवर्ड हो गए हैं, तो उनको जहन में रखते हुए फिल्में बनानी पड़ती हैं, गाने बनाने पड़ते हैं। सो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, टाइम के साथ साथ हर चीज़ बदल रहा है। शुक्रिया। शाम में आप सब लोगों के साथ शामिल होकर के, एंड आई एम वेरी सॉरी थोड़ा लेट हो गया मैं। राजेश जी को और जिया साहब को इस फिल्म के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ तक ये टाइटल का सवाल है, प्यार हो गया, हमारा प्यार तो आशिक से शुरू हो गया। रूबी साहब, मोइन बेग साहब और तब के लाल सुनील पाल, थैंक यू वेरी मच। और मुझे अफसोस हो रहा है कि ये आदमी वहाँ क्यों बैठा हुआ है। तो प्यार हमने आशिकी शुरू की थी, आशिकी से, और आशिकी जो इतनी ज़बरदस्त हिट फिल्म थी, जिसके गाने इतने ज़बरदस्त हिट हुए थे कि 10 के 10 गाने ज़बरदस्त हिट हुए थे। अब आज के हालात बदल गए हैं, आजकल मोबाइल आ गया है, ऑनलाइन प्यार हो रहा है। हमने तो प्यार करवाया, ये इन्होंने प्यार किया है। हम चिट्ठी लेके जाया करते थे हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल इनकी, और ये इलेक्ट्रिक बिल में आई लव यू और जो भी बातें हैं वो लिख करके देते थे, क्योंकि मैं मास्टर का रोल किया था, तो मैं बच्चियों के कपड़े डिज़ाइन करने उनका नाप लेने जाता था, और नाप लेते लेते बोलता था, चिट्ठी सरकार देता था कि उसने दिया, बच्चा अच्छा है, मैं उसको अच्छी तरह जाना था। प्यार में पागल हो गया, कुछ देखो उसका कुछ नहीं तो पागल हो जाएगा। तो इस तरह का प्यार, इस तरह का आशिकी, तो ये प्यार तो चलता ही रहेगा। इसके बताने के, इनके दर्शाने के, करने के रंग ढंग अलग होते रहेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, और मैं राजेश जी का, जिया जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस फिल्म में मुझे अपना हिस्सा होना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर यू। मैं आशिकी पहले नहीं, मैं आज भी कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे
अपना लुक सेंटर छोटे वो औरत होती थी पिक्चर में, मतलब या तो झाड़ के आसपास उनको
नचा दो, शॉर्ट स्कर्ट पहना दो, या यू नो इन्होंने तो फिर भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं बोलूँगी सरीना जी ने जितना जितने अलग अलग तरीके के रोल्स किए हैं, ये होप कि हमें भी अभी बिकॉज ऑफ OTT हो सकता है वी गेट अ चांस टू अभी आपने कहा था कि फिल्में नहीं चल रही है, लोग आ नहीं रहे, थिएटर नहीं आ रहे हैं, तो वो कितना एक नेगेटिव है जो, और क्या होना चाहिए उस चीज़ के लिए? लगता नहीं, मैं आपको कॉन्टेंट चल रही है, बड़ी पिक्चर मुझे लगता है कि प्यार वाला जो शब्द है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा, चाहे वो 2050 हो या उससे भी आगे हो, दुनिया जब तक है प्यार तो रहेगा। लेकिन कुछ सालों में लोगों का जो नज़रिया है फिल्मों के प्रति, कंटेंट एक अलग तरीके से देखते हैं वो। मुझे लगता है कि कंटेंट का ना, जॉनर की बात ना करें तो बेहतर कंटेंट लोग ढूंढ रहे हैं। वजह ये है OTT आने की वजह से हाथ में ना पूरी दुनिया की फिल्में, चाहे ईरानियन या बॉलीवुड तो लोग देखते ही थे, लेकिन पूरी दुनिया की फिल्में ना हमारे हाथ में, बहुत खूबसूरत फिल्में हैं, कोरियन है, ईरानियन है, बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, बड़ी खूबसूरत फिल्में बना रहे हैं। तो कंटेंट का एक तरह से यहाँ पर भरमार आ गया है, तो आपको चुनना पड़ेगा कुछ खूबसूरत से कंटेंट, फिल्म चलेगी, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपने टीवी शो किया है, पॉपुलर टीवी शो किया, क्या कहते हैं कि टेलीविजन आर्टिस्ट को फिल्म में ब्रेक मिलना कितना ज़रूरी है और कितना अच्छी बात है? आजकल काफ़ी सारी आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो किस तरह मिलते, क्या कहेंगे आप? ऑनेस्टली मैं टीवी और फिल्म में ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट इज़ फ्रॉम गीता कपूर, गीता कपूर मैम शो और जो मैंने शो किया है वो बहुत टिपिकल टीवी शो नहीं था, जैसे सीजन टू ऑफ अ वेरी वेरी बिग शो, कल्ट शो, बड़े अच्छे लगते हैं। तो आई वॉज ऑनर्ड, आई हैड अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि मुझे उस शो का हिस्सा होने का मौका मिला। और डेफिनेटली हर एक एक्टर जो एक्टिंग के लिए पैशनेट होता है, जिसको एक्टिंग से प्यार होता है, उसका अल्टीमेट गोल होता है कि उसे फिल्म बनाना। सो दैट्स हाउ वी एक्टर्स थिंक कि हमें फिल्म बनानी है, बॉलीवुड फिर हॉलीवुड फिर टॉलीवुड, सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ गुड्स। सो आई थिंक मेरा तो बेस्ट नहीं था कि मैं सर के साथ थोड़ी फिल्म करूँ, बिकॉज मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में फाइनलाइज हुई उस प्रोजेक्ट के लिए। मुझे लगता है कि ये होना था शायद इसलिए कल ही, मतलब एक दिन पहले जस्ट यू नो आई गॉट फाइनलाइज्ड फॉर इट, एंड आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ सॉफ्ट हार्ट, सच अ सॉफ्ट एंड सूदिंग एंड सच अ गुड जॉनरी व्हिच इज लाइक रोमांटिक फिल्म। सर ये भी जानना चाहूँगी, राहुल सर एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, तो एक आम प्रोड्यूसर से एक एक्टर प्रोड्यूसर अगर होता है तो कितना बेहतर होता है ये बात, क्योंकि वो उसको फिल्म मेकिंग के, क्योंकि क्या होता है कि कोई एक्टर अगर प्रोड्यूसर बनता है तो उसको फिल्म मेकिंग के सारे पहलू से खुद ही गुजर चुका होता है, उसने भी अपने वक्त में प्रोड्यूसर्स को परेशान किया, डायरेक्टर को परेशान किया, सारा उनको एक्सपीरियंस है। तो डायरेक्टर के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या होना है, समथिंग अगर शूटिंग शेड्यूल कब शुरुआत होने वाले, कब आने, कब तक आएगा पर्दे पे, अगर पर्दे पे आएगा OTT पे आएगा, कुछ टाइम है इस चीज़ को लेके? पर्दे पे अभी तो हमारे साथ एक OTT ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसके डिजिटल राइट्स वगैरह खरीदने को तैयार है, DigiFlix नाम है। उसके अलावा शूट की जहाँ तक बात है, हम लोग का प्रोसेस में है, क्योंकि पहले हम शुरुआत कर रहे हैं लंदन से, वीजा प्रोसेस में, जैसे ही क्लियर होगा अनाउंस कर देंगे, Thanks for the way, thanks so much. Thank you. As a producer, what do you have to say about him, ma'am? मैं क्या बोलूँ, देखो राहुल जो है, क्योंकि ये पहली फिल्म ऐसे प्रोड्यूसर, आप सब जानते हैं हीरो पहली फिल्म ब्लॉक बस्टर हुई थी, आज तक यादगार फिल्म है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल से दबाए जैसे प्रोड्यूसर भी मुझे पहली फिल्म नहीं है, याद हो गया कि उतनी बड़ी फिल्म सबको नहीं देते।
सर आप शेयर चाहूँगा क्या करना चाहेंगे बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड बीइंग द लीड आल्सो सर जैसे कि मैंने बोला पहले मैं फिर वापस रिपीट करता हूँ कि ये एक्टर के लिए हम दिन रात जो मेहनत करते हैं वो इसी पल की मेहनत करते हैं कि आप सब हमारे सामने हो हमसे ये सवाल किया जाए कि आपको लीड हीरो में सर कास्ट किया गया और आपको कैसा लग रहा है आई एम फीलिंग वेरी गुड राइट नाउ आई फील ब्लेस्ड आई एम सो हैप्पी दैट मशहूर द लेजेंड हमारी इंडस्ट्री के रूमी जाफरी सर इज़ हियर विद अस उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा दिन है और मैं ये दिन अपनी ज़िंदगी का भूल आई फील रियली ग्रेट एंड आई फील ब्लेस्ड बट रूमी सर ब्रिंगिंग अ फिल्म इन टुडेज टाइम कितना रिस्क फैक्टर मानते हैं क्योंकि आज का दौर आप देख रहे हैं कि किस तरह से फिल्मों का बिजनेस हो रहा है और थिएटर्स में लोगों का आना लगभग ना के बराबर तो वो बताइए वो कितना रिस्क तो हमेशा फिल्म बनाने आप हम रिस्क आज का दौर हो चाहे पुराना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी धूम लही आई उसने साथ नहीं दिया कि ऐसी बात नहीं कि थिएटर में लोग नहीं आ रहे या उससे पहले लॉकडाउन के दौरान रोही आई थी जानकी तो उस टाइम पे चल गई तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म जो आई थी लोग देखेंगे हिंदी में लोग ने साउथ की डब फिल्म देख ली इसका मतलब है थिएटर में लोग आना चाहते हैं बशर्त पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो मजबूर करे इंसान को कि वो अपने घर से लैपटॉप टीवी ओटीपी छोड़ के निकल के आए और थिएटर में आ कर बट लास्टली ये जानना चाहूँ कि OTT का जो चलन है ये क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव चीज़ है या फिल्म का बिजनेस जो हार्म हो रहा है OTT की वजह से हो रहा है व्हाट इज़ द रीज़न मैं आपको बताऊँ पैंतीस साल शुरू में हमने देखा जब VHS आया तो लगा रहे बाप लोग घर में पूछा देखेंगे इंडस्ट्री खत्म हो गई थिएटर में टाइटल कुछ नहीं हुआ फिर TV आया अरे लोग घर में बैठ के TV देख रहे हैं चैनल क्यों जाएंगे थिएटर का लोग सफर बढ़ गया उसके बाद LD आया DVD आया सब कुछ आया अब OTT आया मुझे नहीं लगता कि थिएटर के बिजनेस की असर अभी आपने लुक्स की बात की थी और दूसरी बात इंडस्ट्री में ये होती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है फिल्मी बैकग्राउंड है या नहीं है वो आप क्या मानते हैं कितना ज़रूरी हो जाता है व्हेन यू आर यू नो इंडल्जिंग इन अ प्रोजेक्ट जब आप प्रोजेक्ट पाते हो या आपको आगे जो होता है आपका सफर फिल्मी बैकग्राउंड ऐसे लाइक मेरे कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में सर गॉडफादर तो नहीं जैसे मेरी इंस्पिरेशन है जाफरी सर मैं अंदर कोई बोलना चाहता हूँ उससे फिल्म जिसके लिए मैं यहाँ हूँ क्या है ये सबसे ज़्यादा खुशी मुझे किस बात की है इस बात की है कि मैं और ये शहर एक ही शहर से आते हैं भोपाल से और मैं भी जब बॉम्बे आया 80s में कुछ नहीं आता था किसी को नहीं आता था लेकिन फोकस था ऊपर के साथ दिया और उनको भी आज यहाँ बैठा इसकी भी खासियत यही है कि ये बॉम्बे आया इतना काम कर लिया लेकिन मुझसे नहीं मिला आज जब ये बन गया तब मुझसे मिला तो इसको मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ और इससे ये कॉन्फिडेंस बताता है कि अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंस को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आती है थैंक यू सो मच सर इट्स वेरी गुड थिंग आपने ये बोला तो ये मैं बोलूँगा कि जैसे आपके शहरों से हमारे मुल्क से जब लोग निकलते हैं जैसे हमारे शहर से रूमी सर जब हम बड़े होते हैं तो देख के होते हैं आप किसी को यू लुक अप टू समवन कि मुझे आई वुड बी लाइक हिम यू नो वो खुद निकले अपनी मेहनत से आगे बढ़े ना हो You know, he's made it big, he's meeting all the big people, working with all the big people from Amitabh Bachchan to Salman Khan, everyone in that, they respect him, which is a very, very big thing. And इस चीज़ में हमेशा मुझे सर ने इंस्पायर किया है मेहनत करने को मैंने हमेशा मेरे दिल में ये डाली थी कि कुछ थोड़ा बहुत भी अगर बन जाऊँगा जहाँ रूमी सर मुझसे बोले कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू जस्ट कीप डूइंग इट सो गुड थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक्स थैंक यू सो मच थैंक यू 24 अगस्त को फिल्म रिलीज हुई थी और प्यार हो गया जिसमें ऐश्वर्या को बॉबी थे नुसरत फतेह अली खान और आज हुई प्यार हो गया जिसमें ये हैं और आलिया है तो मैं उसका एक जावेद साहब ने जो हमने मुहूर्त किया था लीला पेंटर में तो ऐश्वर्या से बॉबी से बुलवाया था नुसरत फतेह अली खान ने आपने शायद अभी उसको होगा सोशल मीडिया पर कहीं तो बड़ा अच्छा शेर लिखा था बॉबी और ऐश्वर्या आते हैं बॉबी बोलता है एक मुसाफिर थे तुम एक मुसाफिर थे हम अपनी राहें मिली और प्यार हो गया ऐश्वर्या बोलती है तुम भी अनजान थे हम भी नादान थे सिर्फ निगाहें मिली और प्यार हो गया थैंक
अरे आफ्टर बीइंग अ सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर यू नो मेकिंग अ डेब्यू इन अ फिल्म, कितना बड़ा अचीवमेंट मान के आपने? बहुत बड़ी बात है, स्पेशली एक इन्फ्लुएंसर, पहले तो हम टिकटॉकर थे, फिर उसके बाद एक स्टेप आगे पर इंस्टाग्राम पे आया, फिर यूट्यूब पे आया और आज यहाँ पे आके बहुत खुशी है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, नेवर एक्सपेक्टेड कि आप जब एक नॉर्मल चीज़ करते हो और आपको सडनली आपके मेहनत के बाद इतनी बड़ी चीज़ मिल जाती है। आई थैंक गॉड एंड एवरी वन कि इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए, एंड टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। What about the lead actor? Have a chocolatey look. I mean, क्या कहना चाहेंगे? So it's all because of Zaan. Zaan used to watch all my reels, my big videos. Fan, man. Yeah. So एक दिन ऐसे आया कि message, any call, and then ऐसे project. I said ठीक है चलो देखते हैं. And then I'm here. तो वो बात बहुत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, just one minute. और आप राहुल सर और आशिकी के कितने बड़े फैन रही हैं? मतलब यू नो उसके गाने, वो फिल्म. I'm not 90s baby, but of course I've seen his film और मैंने एक और फिल्म देखी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जिसमें वो टाइगर बन जाते हैं। आई थिंक हम सबकी वो एक फेवरेट मूवी थी जिसमें वो टाइगर बन जाते हैं, तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट मूवी और या आई लव हिज मूवी, इवन आशिकी वॉज ग्रेट। And lastly, how far you know people give value to the success of influencers? कितना ज़्यादा आपको लगता है कि जो projects होते हैं कितना ज़्यादा value किया जाता है influencers को आज के time में? अगर देखा जाए आज के time पे, if you see my friends like किसी ने झलक किया और कोई खतरों के खिलाड़ी कर रहा है, today I'm doing a film, तो हम लोग सब लोगों ने काफ़ी सालों की मेहनत करके आज हम यहाँ आए, वो बहुत बड़ी बात है एंड वी आर वेरी हैप्पी। Sir, what would you shout out? जिनके achievements के बारे में as an influencer और अभी debut कर रहे हैं? Sir, for me, actors, influencers, YouTubers, TikTokers, हम सब एक हैं। मैं to be really honest, मैंने कभी इसमें differences किए नहीं हैं, because वो भी एक कैमरे के सामने एक्ट कर रहे हैं, हम भी एक कैमरे के सामने एक्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे एक्टर्स, हम सारे आर्टिस्ट हैं। For me, we all are artists. It's a creative world, it's a creative field. We all are creative. एनर्जी तो विथ मी सर, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अच्छा आप इन्फ्लुएंसर्स हो, आप ऐसे बात हो, आप बहुत बड़े मूवी स्टार हो या आप टीवी के एक्टर हो, फॉर मी एक्टर इज एन एक्टर। इन्फ्लुएंसिंग में जब वो वीडियो बनाती है खूबसूरत खूबसूरत कुछ कुछ ऐसे शॉट्स लेती है कि शायद मैं ज़िंदगी में ना कर पाऊँ बींग एन एक्टर, जो भी आप विथ मी, फॉर मी एवरी वॉन इज इक्वल। मेरे लिए सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम वेरी वेरी आई एम नॉट बाइज्ड एट ऑल, फॉर मी एवरीबॉडी इज द सेम। Thank you. Thank you so much.